छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त ब्लॉक के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी एनएचएम कर्मचारी संघ के बैनर तले अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हड़ताल के चौथे दिन राजनांदगांव में संविदा कर्मियों ने कलेक्ट्रेट के सामने फ्लाईओवर के नीचे प्रदर्शन किया। वहीं इन कर्मियों से मिलने डोंगरगांव विधायक और पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष दलेश्वर शाहू सहित महापौर हिमा देशमुख पहुंची और हड़ताल खत्म करने की अपील की, लेकिन संविदा स्वास्थ्य कर्मी अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर अड़े रहे और कहा कि जब तक नियमितीकरण को लेकर लिखित में आदेश नहीं दिया जाता तब तक हड़ताल खत्म नहीं होगी। अभी हम लोगों को आप लिखित में दे दीजिए, अभी हम नहीं कह रहे कि तुरंत आप कीजिए, लेकिन हमको नियमितीकरण आप कब तक करेंगे ये लिखकर हमको दे दीजिए। तो उनका कहना है कि हम लोग लिखकर अभी नहीं दे पाएंगे जब तक हमारी ऊपर चर्चा नहीं होगी। तो हमने कहा है ठीक है, दो दिन सफिशियंट होते हैं चर्चा करने के लिए। जब इंसान चार दिन से 9 सितंबर से हम लोग अभी अपनी काली पट्टी लगा के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो क्या शासन को और कितना समय चाहिए? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारी हैं, हम लोग ने अपने नियमितीकरण की मांग के संबंध में स्ट्राइक पर हैं, तो उसके लिए आज माननीय विधायक महोदय और माननीय महापौर मैडम के साथ चर्चा हुई है और मंच पर उनको आश्वासन दिया गया है कि जो उनका नियमितीकरण की मांग है वो शासन के समक्ष रखी जाएगी और आप लोग वापस स्वास्थ्य सेवा में आ जाएं और लोगों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करें।